दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को इस सदी का सबसे महानतम बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप की कड़वी यादों को भुलाते हुए भारतीय टीम ने आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मैदान में जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने मैदान पर इतनी खतरनाक प्रैक्टिस की है कि जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बिना मैदान में उतरे ही पसीने छूट जाएंगे। तो आखिरकार कैसे हमारे पसंदीदा सुपरस्टार मैदान पर अपने देश को जीत दिलाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं, जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन होगा इस सीरीज में सर्वाधिक रन स्कोरर? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक था और उससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया। लेकिन अब उन कड़वी यादों को भुलाने का समय आ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के लिए चुनौती लेकर आई है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगले महीने भारतीय टीम को T20 विश्व कप में शिरकत करना है और इस बार T20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऐसे में विश्व कप से ठीक पहले मेजबान टीम से सीरीज खेलना भारतीय टीम की तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात भारतीय टीम भी जानती है, लेकिन इस कारण से भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ियों ने मैदान में उतरकर जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारतीय टीम के सुपरस्टार किंग कोहली प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और आते ही पिच में उतर जाते हैं, जहां पर उमरान मलिक के साथ जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल किंग कोहली को बैटिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इन भारतीय तेज गेंदबाजों की तेज तर्रार गेंदों पर शानदार शॉट्स लगाना शुरू कर दिया और पहले तो विराट कोहली गेंद को ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रखने की तरफ कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना रिदम पाया और उन्होंने उमरान मलिक की दो गेंदों पर इतने जोरदार शॉट लगाए कि इन गेंदों का पता ही नहीं चला और इसमें से एक शॉट को देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। आज विराट कोहली ने उमरान मलिक की गेंदों की धज्जियां उड़ाकर उमरान के अलावा अन्य गेंदबाजों पर भी हावी हुए और लगातार दो ओवर में विराट कोहली ने 6 करिश्माई छक्कों से 52 रन जोड़ लिए। विराट कोहली का ये स्वरूप देखकर चहल के साथ साथ पूरे भारतीय खेमे के पसीने छूट गए। इन दोनों के अलावा भी विराट कोहली ने हर एक बाकी के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए 48 गेंदों पर 104 रनों की खौफनाक पारी खेली और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में दहशत पैदा कर दी। विराट कोहली के बाद दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वो अपने फ्री आक्रामक अंदाज से अपने प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आज उनका इरादा साफ था कि हर एक गेंद को उन्हें बाउंड्री के बाहर मारना है। उन्होंने युजवेंद्र चहल की दो गेंदों पर आगे बढ़कर लगातार दो तूफानी छक्के जड़ दिए और वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और एशिया कप में मौका ना दिए जाने से नाराज दिनेश कार्तिक भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और एक के बाद हर एक गेंदबाज पर तूफानी शॉट लगाकर मैदान में तहलका मचा दिया। दिनेश कार्तिक के बाद भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और जिनके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एशिया कप में उनके बल्ले से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था और जिसके लिए मैदान में वो संभल कर खेल रहे थे और ज्यादा से ज्यादा मैदान पर टिकने के लिए लड़ाई कर रहे थे। आज उन्होंने अपने विपरीत अंदाज में बल्लेबाजी की और मैदान पर लंबे समय तक टिके रहे। जैसे ही एक बार उनकी नजर मैदान पर टिक गई, उसके बाद तो उन्होंने अपना आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। हार्दिक पांड्या को आउट कर पाना हर किसी गेंदबाज के बस की बात नहीं है और भारतीय पेस अटैक के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को वार्निंग दे दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाएगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।